हेलो दोस्तों, मैं हूं सरिता। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल और इजी केक डिज़ाइन, और इसी के साथ हम बनाएंगे आइसिंग जेल। इसी के साथ सॉफ्ट और स्पंजी केक कैसे बनाया जाता है वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे, और किसी भी केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए इसका मेजरमेंट परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए या तो आप वेइंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स आप मेजर कर लें। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए एक बाउल में हम छन्नी रख देंगे। इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप गेहूँ का आटा, आधा कप मैदा। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं सारा, या फिर आप मैदा भी ले सकते हैं। 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। कम से कम हमने इसे 4 से 5 बार छानना है। जितना अच्छे से छानेंगे उतना ही केक हमारा स्पंची बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। आप इसे छान कर एक एयर टाइट डब्बे में भी डाल कर रख सकते हैं। ये हमारा केक प्री मिक्स तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चीनी को भी छान कर रख सकते हैं। इसे अब हम एक तरफ रख देते हैं। अब दूसरा बाउल लेंगे और उसमें भी हम छन्नी रख देंगे, और इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी। इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप बिना किसी फ्लेवर का ऑयल। इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए, सरसों का ऑयल बिल्कुल भी ना डालें। और इसमें हम डाल रहे हैं 4 चम्मच दही। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप दूध। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध अभी हमने इसमें 1/2 कप डाला है, बाकी का दूध बाद में हम ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें, चीनी को अच्छे से इसमें डिज़ोल्व होने दें। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फूड एडिटिव। इसमें फ्लेवर और कलर दोनों ही होते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फूड एसेंस भी डाल सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का। इसका 1/2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह 1/2 चम्मच फूड एसेंस भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार किए थे इसमें अब हम धीरे धीरे ये लिक्विड डालते जाएंगे। एक साथ बिल्कुल भी ना डालिएगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। केक बनाने की पूरी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेजरमेंट के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड की है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। हमने सारा लिक्विड इसमें डाल दिया है, लेकिन ये बैटर अभी गाढ़ा है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। हमने फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है, और इस बैटर को बनाने के लिए हमने 1/4 + 4 टेबलस्पून दूध और ऐड किया है। ये देखिए, इसी तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये केक का बैटर तैयार है। अब हमने ले लिया है एक केक टीन। इसमें हमने बटर पेपर लगाकर इसे अच्छे से ऑयल लगा लेना है। जिस समय केक बेक करना है उसी समय हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केक टीन में डाल देंगे। हमने इसे कढ़ाई में बनाना है। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। केक टीन को हल्का सा टैप कर लेंगे और इसे गर्म कढ़ाई में रख देंगे बेक होने के लिए। इसे लो फ्लेम में हमने बेक करना है लगभग 40 से 45 मिनट। आप देख सकते हैं ये केक कितना फ्लफी हो रहा है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, और आप देख सकते हैं 45 मिनट हो चुके हैं, केक अच्छे से बेक हो गया है। इसमें हम टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम क्लियर आ रही है। ये केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए, केक इजीली बाहर आ गया है, और ये केक आप देख सकते हैं कितना ही अच्छे से इवनली बेक हुआ है। इस केक को अब हम किसी वायर रैक के ऊपर रख देंगे। अगर आप इसे प्लेट में ही रहने देंगे तो केक गीला हो जाएगा और ये प्लेट के साथ ही चिपक जाएगा, इसलिए इसे एक वायर रैक पर ही रखें। केक को अब हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी आइसिंग तैयार कर लेते हैं। जेल आइसिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर न्यूट्रल जेल ली है।
इसके हमने लिए हैं 2.5 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं ये जेल अभी थिक है। इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग नहीं हुई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, लगभग 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें और पानी ऐड किया है। इसे एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे और ये देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमारा ये जेल तैयार हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फूड एडिटिव। आप इसकी जगह फूड एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी ये आइसिंग तैयार है, लेकिन ये हल्की सी लाइट कलर की है, इसलिए इसमें 1 ड्रॉप रेड फूड कलर डाल रही हूँ। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। एकदम परफेक्ट, हमारी ये रेड जेल आइसिंग तैयार है केक डेकोरेट करने के लिए। इसे अब हम एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अब हम केक डेकोरेट कर लेते हैं। केक डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम केक को सेंटर से कट कर लेंगे। हमने इसी तरह के 2 केक तैयार किए हैं। दोनों केक्स को हम सेंटर में से कट कर लेंगे। मुझे 3 लेयर्स का केक बनाना है और ये 4th लेयर एक्स्ट्रा है, इसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये केक कितना ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम केक को डेकोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेस पे थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा दी है और इसके ऊपर 1 लेयर केक की रख दी है। इसके ऊपर अब हम सिरप डाल रहे हैं। सिरप बनाने के लिए हमने थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा फ्लेवर और पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लिया था। इसी के ऊपर अब हम व्हिप क्रीम डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। ये होममेड स्ट्रॉबेरी क्रश है। अगर इसकी आप रेसिपी चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर 2nd लेयर रख देंगे केक की और सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। बस हमने इसमें क्रश की जगह टूटी फ्रूटी ऐड की है 2nd लेयर में। आप चाहें तो दोनों जगह क्रश या टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर 3rd लेयर लगा दी है केक की और इसे अब हम व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर कर लेंगे और डेकोरेट कर लेंगे। हमारा ये केक तैयार है। मैंने सिंपल और इजी वे में इस केक को डेकोरेट किया है। आशा करती हूँ आपको ये केक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।